आज बेचैन हैं स्वर्ग की शक्तियाँ, हे मनुज तुम उठो दिव्य अनुदान लो। तुम उठे बुद्धि की शक्ति ले इस तरह, क्या धरा क्या गगन सब कहीं छा गए। सिद्ध तुमने किए मंत्र विज्ञान के, नित नए उपकरण हाथ में आ गए। अब नियोजित इन्हें श्रेष्ठ पथ पर करो, सृष्टि का हित भली भांति पहचान लो। पुस्तक का नाम गीत संजीवनी भाग 3। पुस्तक परिचय। क्रांति को गति देने के लिए संगीत को प्रवचनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है। किसी वक्ता का प्रवचन सुनने लोग तभी इकट्ठे होते हैं जब वह कोई प्रसिद्ध वक्ता, प्रतिष्ठित संत या नेता हो। लेकिन संगीत इन बाधाओं से मुक्त है। यदि किसी का कंठ सरस और भाव अच्छे हैं, तो संगीत सुनने के लिए अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा संगीत में विचार के साथ भावनाओं को भी छूने की असाधारण क्षमता होती है। भारत की धर्म परायण जनता के भावों को प्रभावित करने में जितना प्रभाव धार्मिक कर्म कांड का होता है, लगभग उतना ही संगीत का भी होता है। युग ऋषि के निर्देशन एवं अनुशासन में जन जागरण के लिए युग गायनों के विकास और विस्तार पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। यह विधा बहुत लोकप्रिय भी हुई है। जिस तरह युग निर्माण आंदोलन के अंतर्गत होने वाले यज्ञों और यज्ञाचार्यों के बारे में कोई नहीं पूछता, उसी प्रकार युग संगीत की टोली में कौन कलाकार आ रहे हैं यह भी कोई नहीं पूछता। बस युग निर्माण मंच युग संगीत की टोली होने का प्रचार जन जन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होता है। क्षेत्र में पूर्णकालीन न सही, थोड़ा थोड़ा समय दे सकने वाले संगीतज्ञ ऐसी पर्याप्त संख्या में तैयार हो रहे हैं। यह गीत संजीवनी संगीत संग्रह ऐसे ही संगीतज्ञ को सहयोग देने की दृष्टि से तैयार की गई है। इसमें वे संगीत, भजन आदि शामिल किए गए हैं जो जनता के बीच बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। इनमें वंदना, भजन, राष्ट्र जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, नारी जागरण, साधना, शिक्षा, स्वावलंबन आदि विविध आंदोलनों से संबंधित गीत हैं। क्षेत्रीय युग संगीत की टोलियां इनका उपयोग विवेक पूर्वक करें तो किसी भी प्रकार के जन समूह में युग विचारों का संचार सहज एवं सरस ढंग से किया जा सकता है। यदि थोड़ा सा अध्ययन करके इनके साथ बीच में संक्षिप्त सार्थक टिप्पणियों का अभ्यास किया जा सके, फिर तो कहना ही क्या है। इस प्रकार भजनोपदेश जैसी शैली के आधार पर छोटी छोटी संगीत टोलियां बड़े बड़े उपदेशकों से अधिक प्रभाव फैला सकती हैं। पुस्तक के कुछ अंश। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अवतरित हुई माँ गायत्री युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। जब जब होता है धर्म नष्ट बदली अधर्म की छाती है,
जब नाचार बढ़ जाता है, यह मानवता दुख पाती है। तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी इस भू पर आते, पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। वह शपथ पुनः पूरी होगी, चिर सत्य यही है सच जानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी निश्चय जानो। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें देश अपना सवारें, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारें। अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना। बहती है अब देश देश में उग्रवाद की धारा, लगता जैसे लगा दांव पर है अस्तित्व हमारा। नफरत से हर हृदय झुलसता, देता हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलती है तरुणाई। भीतर पल पल बढ़ती हुई आग से हमको विश्व बचाना, यह बाना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा। इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना। आत्मसाधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। साधक वह जो जेले जग के पाप ताप अभिशाप को, सागर मंथन के पहले जो मथले अपने आप को। औरों को दे सुधा रत्न, खुद कर लेता विषपान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिस कारमान है। पुस्तके कुछ बिंदु। अंधकार आसुरी वृत्ति का, अपनी भक्ति का अमृत। अगर हम नहीं देश के, अवतरित हो माँ गायत्री, अब नवयुग की गंगोत्री। आज जरूरत भारत माँ को, आत्म साधना ऐसी हो। आप क्या मिल गए।